हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक हॉरर स्टोरी है, पार्ट वन है ये, और पार्ट टू भी आएगा। यार ये लोग कहाँ रह गए? इनको पता है मेरे को कितना डर लगता है। मजे आए, बहुत मजे आए। डर गई, वो लोग नहीं आए अभी तक? नहीं, बस लगी बाकी है। आज सब ज्यादा डर रही थी ना? हाँ, डर तो हो ही। डर गई है तुम आज भी? क्यों मुझे डराते हो? और वैसे वो अच्छा फेकू कहाँ है? ये खड़ा मेरा। अच्छा वैसे बातें करते चलो। हाँ, कल के फेयर में तो काफी मजा आ गया। हर बार मैं फोन ही लाई। अच्छा, कल के चैलेंज में तो मजा ही आ गया मेरे को। यार मैं तो बहुत डर गई थी। आज के चैलेंज के बारे में याद है? पता है। अच्छा, वो हॉरर प्लेस। अच्छा, वो हॉरर प्लेस में जैसे ये चैलेंज फेक निकला, पक्का वो हॉरर प्लेस भी फेक निकलेगी। एक बार चल के देखना चाहिए। हो सकता है कि वो उसमें असली भूत रहते हैं। फिर मैं नहीं जाऊंगी अगर ये ऐसे डराएगा। नहीं यार, कुछ नहीं होता। डरपोक। वैसे तो खुद इतने बड़े नहीं थे। और हाँ चलो ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। चलो बाय। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। मैं तो नहीं इससे। हाँ, डर गई। अब वो थोड़ी सी है वैसी तो। हाँ चलो। वैसी कैसी? अरे हम चलते हैं। नहीं नहीं, वैसी कैसी? जैसा तू है बिल्कुल। बात पे ध्यान दो। अच्छा, मेरी बात पे ध्यान दो। मैं छाता लेके आई हूँ ताकि ये ना कोई इमरजेंसी के लिए तुमको काम आ जाएगा। और है ना, ये इससे अपन टेंट बना। और कैंप मैंने बैग में रख दिया है। और तुम स्नैक्स लाने वाला तो लाया? काफी तेज हवा चल रही। अरे बारिश तो नहीं लग रही। छतरी खोल ली। प्लान भी बिल्कुल लगा सकती हूँ। मैं मना ही कर रही थी सारे काम के लिए। सबसे टाइम मैं मैंने तो वैसे चेक किया था यार, पता नहीं अचानक से यहाँ का वेदर कैसे चेंज हो गया। मुझे तो ये जगह पहले से चलो बैठ जाते हैं। हाँ। काफी अच्छा है वैसे। हाँ। बनाया है। लाई तो मैं थी ना। लेकिन यार मैं अभी भी कह रही हूँ बहुत डर है इस जगह पे। जल्दी चलते हैं बस यहाँ से। डर को एक रात तो कटा ले यहाँ पे आराम से। कटा ले क्या? एक रात तो कटा लेंगे। एक किसकी आवाज थी? ओह नहीं। अरे हमारी तरह और लोग आए होंगे कैंप में। ये क्या चीज है वैसे अथर? इससे तो हॉरर वाली फीलिंग आएगी। ओ नहीं, वैसे तो मैं कहाँ से मिला? अरे लेकिन ऐसी पड़ी हुई चीजें उठाते नहीं है। मैंने अभी देखा, मेरे को तो पहले भी ऐसी पड़ी हुई चीजें नहीं उठाते हैं। इनसे जानू जादू टोना भी क्या होता है, लेकिन मैं इनसे बातों को नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। प्लीज बढ़िया। चलो अब मैं यहाँ पे सो जाऊंगी, तुम्हें तो डर लगता है। मुझे बहुत है वो भूतिया खिलौना। एना मेरा डॉल प्लीज। नहीं चलो, अब हम सोने की तैयारी करते हैं। चलो। ये कैसी आवाज थी? तो हुआ, तुम जग रहे हो? और क्या, मैं तो रात के 1 बजे तक जगता हूं।
हमेशा ही डर लगता है माही, अब मेरी नींद मत खराब करो। मच्छरों ने काट काट के नींद कर रखी। मैं देख क्या करूं, ध्यान से भूत ना उठा ले जाए। यार प्लीज मुझे मत डराओ। जो भी आवाज थी बहुत डरावनी थी। मैं आ गया वो निकालने का। ये गंगा जल, ये बाबा जी ने दिया था, इससे कोई भी भूतिया आत्मा मेरे पास नहीं आ पाएंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माही। तुम कितने जने के साथ आई हो? दो जने, एक लड़का और एक लड़की। इनका नाम क्या है बताओ? अथर और लवी। अब तुम मेरा हुक्म मानोगी? जी रानी। जाओ जाकर सो जा अपने टेंट में। जी। तुम पी लो पानी, मैं तो घूम पीती हूँ। अब तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। चलो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। अरे ये मेरी बॉडी कहाँ से आ गई है? ये तो खाली है, लेकिन वो तो मेरा पानी पीता नहीं है, तो ये कैसे आ पाई? प्यास लगी है कहीं और से। अच्छा तू इतनी आधी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है? पानी ढूंढ आया था। तू यहाँ पे वो सब छोड़, माही को पता नहीं क्या हो गया, वो उसका बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। पहले मेरी बताओ पानी की बोतल कौन सी है? पानी को छोड़, मेरे को प्यास लगी है यार। प्यास लगी तो मैं अपनी बोतल से पानी दे दूंगी। सबसे पहले मुझे ये बात बता कि माही अथर, तूने उसके साथ कुछ किया क्या? वो कैंप के बाहर घूम रही है और मैंने उससे बोला कि कैंप में आकर सो जाओ, तो बोलती नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्रिया का हुक्म मानूंगी। कि प्रिया कौन है? मुझे भी नहीं मालूम। चलो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे यहाँ पे तो माही घूम रही है, हम तो ये बात भूल ही गए थे। चलो अपन वापस चले। हाँ वैसे भी पैसे तो हमारे पास ही, और कोई जरूरी सामान भी नहीं टेंट में। चलो हम लोग चलते हैं। और ये हमारा टेंट किसने फाड़ दिया? ओह नो, मेरे को तो बहुत गड़बड़ लगती है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुको रुको रुको, तुम अपनी दोस्त को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। तुम कौन हो? पता आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, इसी गलती की वजह से मैं आज तक पछता रही हूँ। कैसी गलती? और तुम होती कौन हो हमें ये सब बोलने वाली? मैं उसकी बहन हूँ जो ये सब करवा रही है। तुम जानती हो वो कौन है और तुम्हारी बहन कौन है जो हमारी दोस्त के पीछे पड़ी है? फिर उस लड़की ने सब कुछ हमें बता दिया, पूरी कहानी के साथ कि उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ था, और वो लोग निकल पड़े मुझे बचाने। वैसे ये कहानी बताने के लिए, लेकिन हम अपनी दोस्त को सही कैसे करेंगे? किलोमीटर दूर एक बाबा का घर है, अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हारी दोस्त को ठीक कर देंगे। अब हम चलते हैं। हाँ पर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ठीक है, तुमने अपना नंबर तो हमें दे ही दिया। चलो अब हम चलते हैं बाबा के पास।
आलिया के बताने पर वो लोग बाबा के घर की तरफ तो निकल ही गए थे, लेकिन अब उनके साथ क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग स्टोरी पार्ट टू में देखिएगा। लेकिन पार्ट टू थोड़ा लेट आएगा फ्रेंड्स, तो वेट करिएगा पार्ट टू का। और यहाँ पर तो कमेंट्स टर्न ऑफ हो गए हैं, तो इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बताइए कि आप लोग कितने